हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद जी, आप जिस तरह से मैदान पे आए हैं, हमारा खून का एक एक कतरा हम दे देंगे हमारे भाई को पीएम बनाने के लिए। जंग हमारी जारी है, चंद्रशेखर भाई की पीएम की बारी है। गुजरात से आए हैं, आज दिल्ली को मिला करके जाएंगे और चंद्रशेखर भाई आजाद को फिर एक बार हम मजबूती से आगे बढ़ाएंगे और भारत में पीएम बन के दिखाएंगे। हमारे खून का एक एक कतरा भाई के साथ इंकलाब लाएगा। जो रैली हो रही है वर्गीकरण के फैसले के खिलाफ हो रही है और मांग कर जा रही है कि भारत में जो जातिगत जनगणना है वो कराई जाए, तो क्या आप भी समर्थन करते हैं इस बात का? जाति गणना हर कोई कराएगा, किसी के बाप में दम नहीं है, क्योंकि संविधान हमारे बाप ने लिखा है, ये अनुमति संविधान किसी को नहीं देता है। लेकिन आप ही के भाई लोग आपका विरोध कर रहे हैं। नहीं, कोई भाई विरोध नहीं कर रहे हैं, ये दलाल चमचे जो उनके गुलाम बन के बैठे वो कर रहे हैं। सरकार मनुस्मृति से देश चलाना चाहती है। मनुस्मृति की बात छोड़ दीजिए, ये देश संविधान से चलता है, नहीं मनुवाद से। मनुवाद को हम मिटा के रहेंगे, मनुस्मृति को खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद जी, आप जिस तरह से मैदान पे आए हैं, हमारा खून का एक एक कतरा हम दे देंगे हमारे भाई को पीएम बनाने के लिए। देखिए, जंग हमारी जारी है, चंद्रशेखर भाई की पीएम की बारी है। सिर्फ हमें 2031 का समय दे दीजिए, 2031 के बाद भाई चंद्रशेखर आजाद इस संसद में मुखिया की तरह बैठे होंगे। 31 से पहले 27 का चुनाव है यूपी का, तो क्या चंद्रशेखर जी सीएम बनेंगे यूपी के? देखिए, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि आप जिस तरह से हमारे यूपी में चंद्रशेखर आजाद भाई विनय रतन जी लगातार अपने काशीराम के मार्ग पर जा रहे हैं, इससे तय हो गया है। काशीराम जी का तो वोट का बंटवारा हो गया ना? नहीं नहीं, एसपी अलग है, ये गलत बात है। जिस तरह से हमारा भाई लड़ रहा है काशीराम के रास्ते पर, बहन जी भी तो है, बहन जी भी हमारी आग्रही है और हमारे लिए सम्मानीय है, लेकिन आप वोट किसको देंगे? बहन जी या चंद्रशेखर? आज हमारा नेता चंद्रशेखर आजाद जी है और हम उनको ही वोट देंगे और पूरे भारत को उनको दिलाने में मजबूर करेंगे। छोड़ के कितली पर वोट देंगे? नहीं, अभी हमारा कितली इतना जोर से चल रहा है क्योंकि हमें कमल को हाथ से हटाना है। हमारा एक ही मकसद है, हमारे भाई को चंद्रशेखर आजाद को पीएम बनाना है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन आपकी एक और पार्टी है ना, बीएसपी, उसका क्या? ये बात आप मुझसे जो पूछ रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट शब्दों से बता देना चाहता हूं कि भारत में कितनी सारी पार्टियां हैं, मनुवाद लोगों की भाई बहुत सारी पार्टियां हैं, वो तो कोई बोल नहीं रहा। बीएसपी के बारे में बताइए। बीएसपी के बारे में आपको मैं बता रहा हूं, संगठन संगठन अभी जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए हम चंद्रशेखर आजाद जी के साथ है और उनके लिए लड़ेंगे। आपका क्या कहना चाहेंगे आज की रैली पे? आज की रैली, हम गुजरात से आए हैं और जो ये संविधान के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो 349 और 350 के विपरीत है और उसका अनुच्छेद 9 है, वो सुप्रीम कोर्ट को राइट ही नहीं है ऐसा हुक्म देने का। उस ऑर्डर में एक दलित जज भी थे गवई करके, उन्होंने भी इस ऑर्डर पास किया। वो ये सिस्टम है, वो उन लोगों ने हाथ रख दिया होगा उन पे, वो मनुवादी की हम बात ही करना नहीं चाहते। दबाव में थे? नहीं, हो गए अभी पूरा भारत दबाव में है। अच्छा, मीडिया बोलो, सीबीआई बोलो, ईडी बोलो, सब दबाव में है। इवन मैं तो वो भी कहता हूँ कि इस पे तो सबको बाहर निकलना चाहिए, वो अपने जाति से जाति को आपस में बढ़ाने की राजनीति हो रही है ना, जाति से जाति को जोड़ना चाह रहे हो। क्यों हुई बेटे, सत्याग्रह कर रहे हैं, क्यों हुई समाज के लोग, क्यों हुई ये 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 जो मनुवादी है जो कर रहे हैं, वो मनुवादी विचारधारा के लोग है, उसीलिए हो रहा है। भाई के लड़ाई और भाजपा की तो राजनीति वही है। हानि क्या है आप लोगों? हानि क्या है? एक हाथ से लेना और एक हाथ से देना। अभी तो हमको तो भाई 75 साल 76 साल हुए, दो हजार साल आप लोगों ने राज किया है और आपकी फटने लगी 75 साल में, आपकी खटिया खड़ी होने लगी। जब ये बहुजन समाज अभी तो चलने 5 साल का बच्चा जैसे चलता है ना, पहला पगला लगाता है, वही हो रहा है। जातिगत जनगणना होगी तो हंगामा हो जाएगा, ऐसा आरएसएस प्रमुख का कहना है। आरएसएस का तो कहना ही वही है, उन्होंने तो कितने साल तक अपने उनको चाहिए क्या? मनुवादी बंधारण चाहिए, बाबा साहेब वाला नहीं चाहिए उनको, क्या चाहिए? बागला पाड़ो और राज करो,
अच्छा अंग्रेजों वाले उनकी राजनीति है और उसी के दबाव में ये मनुवादी सरकार चला रहे हैं। सरकार आरएसएस चला रहा है। हाँ प्योर यस यस आरएसएस के हाथ में कंट्रोल है 100%। आरएसएस के हाथ में रिमोट कंट्रोल है ये भाजपा का। भाजपा का रिमोट कंट्रोल वहाँ से मनुवादी लोग स्वराज स्थाप दिया है। अच्छा हाँ।